गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज है मकर संक्रांति, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। अभी बज रहे सुबह के 5:30 और मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई। उठ के थोड़ा फ्रेश होके मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना कि उठते ही सबसे पहले आपको झाड़ू लगाना होता है, तो वही मैं कर रही हूँ। वो तीनों सो रहे थे तो मैं सोची फटाफट मैं अपना काम पूरा कर लूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं फटाफट किचन में आ गई। किचन में काफ़ी ज़्यादा रात का बर्तन रखा हुआ था, तो मैं बर्तन धोने लगी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ही मैं अपना किचन अच्छे से साफ़ करके सो जाऊँ, क्योंकि सुबह उठती हूँ ना, मुझे फ्रेश अच्छा और साफ़ किचन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है काम करने में। लेकिन रात को क्रिशु काफ़ी लेट से सोया था, जिसकी वजह से मैं किचन क्लीन नहीं कर पाई, इसलिए इतना सारा काम रह गया। बर्तन वॉश करने के बाद मैं किचन भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि मैं जब भी खाना बनाने आऊँ तो मेरा किचन मुझे क्लीन और साफ़ मिले। तो यहाँ पे मैंने सारा बर्तन धो लिया है और किचन भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। फिर मैं यहाँ आ गई पोछा लगाने, और ये देखिए मेरी बेटी सो के उठ गई है। उठ के ना वो एक बार सोफ़ा में आके 5-10 मिनट ऐसे ही बैठती है, और जब उसे पता चला कि सामने कैमरा है तो वो अच्छे से बैठ के देखने लगी। अच्छा, कैमरा है तो मुझे अच्छे से रहना होगा। जब वो सो के उठती ना, तो सुबह उसे ना थोड़ा प्यार चाहिए होता है। वैसे जब भी मैं किचन में खाना बनाते रहती ना, वो आ जाती है किचन में मेरे पास। लेकिन अभी वो देखिए, अच्छा मम्मा तो काम कर रही है, पोछा लगा रही है, तो वो बैठी हुई है इसी तरह। वो आप सभी को हाय भी बोल रही है। हमारे घर के हॉल में जो ये विंडो है ना, यहाँ से काफ़ी अच्छा मॉर्निंग में धूप आता है, हवा आता है, तो मैं इसे सुबह सुबह खोल देती हूँ ना, बहुत अच्छा फ्रेश फील होता है। और यहाँ मैंने सारे घर को पोछा लगा दिया है। फिर मैं और जीविका ब्रश करने लगे। वो ब्रश करती नहीं वैसे जल्दी, तो मैंने कहा चलो मैं और तुम साथ में ब्रश करेंगे, तो वो आ गई फटाफट ब्रश करने के लिए। यहाँ हमारा ब्रश हो गया है और इधर कृषव भी उठ के तैयार है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग तो बोलो। मेरे साथ भी हंसे, जब जब मैं आई ना पिकअप किए ना, तो वो हंसे थे। हाँ, हंसते हो, दिखा। गुड मॉर्निंग, कृषव बोलेगा गुड मॉर्निंग। कृषव को बॉडी मसाज देने के बाद उसे दूध पिला के सुला दिया है। मैं और जीविका चले गए नहाने। नहाने के बाद जीविका आके मंदिर की सफाई कर रही थी, फिर मैं भी आ गई। फिर मैंने कहा लाओ मैं सफाई कर देती हूँ, और इधर मैं कर रही हूँ सफाई, वो बैठ के देख रही है। मंदिर की अच्छे से सफाई कर दी है और मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, साथ में जीविका भी बैठी हुई है। और जैसे मैं सर पे दुपट्टा ली हूँ ना, वो जीविका भी एक दुपट्टा ला के वो सर पे ले रही थी, बोली थी मम्मा मैं तुम्हारे जैसे ही लूँगी। वो मेरे साथ पूजा कर रही है। पूजा करने के बाद फटाफट हम ब्रेकफास्ट करने चले गए। तो आज है ब्रेकफास्ट में क्या, आज है जैसे मकर संक्रांति, तो यहाँ पर है चूड़ा, दही, गुड़ और तिल, और ये बादाम का है, मैंने चिक्की बनाया था। और ये है हरी मटर का, मैंने ना थोड़ा सा घुघनी टाइप से बनाया था, बहुत अच्छा लगता है, चटपटा, नमकीन थोड़ा। तो ये मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, और इधर कृषभ भी उठ गया था, तो मैं और जीविका उधर साइड में खा रहे थे, इधर मेरे हस्बैंड खा रहे। तो खा के सबसे पहले हमें जाना है छत पे पतंग उड़ाने के लिए। और यहाँ हम सब आ गए छत पे पतंग उड़ाने के लिए। और आज जीविका बहुत खुश है, अपने पापा के साथ पतंग उड़ा रही है। वो बोल रही पापा मुझे दे दो, मैं पतंग उड़ाऊंगी, क्योंकि आज उसकी पतंग थोड़ी ऊपर जा रही ना, हवा भी अच्छी चल रही थी। और यहाँ मैं और कृषभ धूप ले रहे, कृषभ भी अच्छे से नहा लिया था, तो उसे थोड़ी ठंड लग रही थी, तो मैं छत पर उसे भी लेके आ गई कि उसे भी अच्छे से थोड़ा धूप लग जाए। ये देखिए Hmm.
तो ये है आज का हमारा छोटा सा मकर संक्रांति का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।